12:30 हो चुके हैं। कलाकार बेमिसाल में अर्पना आपके साथ है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और साथ ही साथ महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो बात करते हैं हमारे आज के स्टार कलाकार की। तो हमारे आज के जो स्टार कलाकार है ना, वो 20वीं सदी के भारत के महानतम फिल्म गीतकार और कवियों में से एक अब्दुल हई, जिन्हें उनके उपनाम साहिर लुधियानवी से हम और आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। साहिर के लिखे गीतों का आज आप आनंद ले रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 करीमपुरा लुधियाना में हुआ, इसीलिए वो अपने नाम के आगे लुधियानवी उपनाम लगाते हैं। 1949 में आई फिल्म आजादी की राह पर इस फिल्म में 4 गानों के साथ अपने करियर की शुरुआत की, पर फिल्म और उसके गाने दोनों पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1991 में आई फिल्म नौजवान, जिस फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता जी की आवाज में, और ये गीत साहिर जी ने ही लिखा था। एसडी परमर के संगीत वाली इस फिल्म से साहिर को पहचान मिली, लेकिन साहिर की सबसे बड़ी सफलता 1951 में आई फिल्म बाजी थी। बाजी से एक गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर का लिखा। तदबीर से बिगड़ी हुई तक
तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। साहिर और एसडी बर्मन की जोड़ी ने कमाल किया, पर इस कमाल को विराम मिला 1957 में आई फिल्म प्यासा से। ये फिल्म इस जोड़ी की आखिरी म्यूजिकल फिल्म थी। आपसी मतभेद के चलते इन्होंने एक साथ फिर काम नहीं किया। तो चलिए गीता दत्त और रफी की आवाज का जादू, फिल्म प्यासा और साहिर लुधियानवी के लिखे बोल। दिल को बसा दे तो हमने
दिल को सजा दे तो हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो हम ढूंढ के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी, ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिनमें है राष्ट्र प्रेम का जज्बा, जिनमें है अटूट साहस, उन्हें पुकारती है भारतीय सेना। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 22 मार्च 2024।
खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, आईटीआई क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टाले। अत्यधिक नमक मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टाले। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। CNG की सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना होगा? CNG is a very safe fuel, लेकिन सावधानियां हर गाड़ी में होनी चाहिए। उन सावधानियों को समझाने के लिए नेशनल सेफ्टी वीक के दौरान IGL CNG स्टेशंस पर सेफ्टी क्लिनिक चला रहे हैं। वहां वो सेफ्टी मेजर्स के बारे में कस्टमर्स को बता रहे हैं। और आज ये क्लिनिक है दिल्ली में द्वारका सेक्टर 20, शांति पथ और गाजियाबाद में ग्रीन एनर्जी CNG स्टेशंस पर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी। मैं समझता हूं कि हमें आदत डालनी चाहिए कि हम निर्णायक बने। निर्णय लेने से पहले 500 चीजों को हम बारीकियां देखें, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखें, प्लस माइनस पॉइंट के लिए किसी से पूछे, लेकिन उसके बाद हम निर्णायक बने। प्यारे बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री जी के इन्हीं संदेशों से प्रेरित होकर NCPCR बना रहा है परीक्षा पर्व, जिसमें बच्चे विशेषज्ञों से बातचीत कर परीक्षा के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 8 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी www.ncpcr.gov.in पर प्राप्त करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कलाकार बेमिसाल हैं आज साहिर लुधियानवी। साहिर ने रवि, रोशन, खयाम और दत्ता नाइक सहित कई संगीतकारों के साथ काम किया। गोवा में रहने वाले एन दत्ता नाइक भी साहिर की शायरी के प्रशंसक थे और उन दोनों के सहयोग से मिलाप, चंद्रकांता, साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्र जैसी हिट फिल्मों के हिट गीत हमें मिले। साहिर ने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मन की आंखें, इज्जत दास्तान और यश चोपड़ा की दाग जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिलहाल आप सभी के लिए रफी की आवाज में धूल का फूल फिल्म से ये गीत। बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का
तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ’63 की फिल्म ताजमहल और 1976 में आई फिल्म कभी कभी में अपने लिखे गीतों के लिए साहिर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1971 पद्मश्री सम्मानित हुए साहिर। कभी कभी से एक गीत साहिर का लिखा मुकेश की आवाज में आप सभी के लिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो। 25 अक्टूबर 1980 दुनिया को अलविदा कह गए साहिर लुधियानवी। 2013 8 मार्च यानी आज ही के दिन साहिर के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। साहिर का ही लिखा एक और गीत फिल्म हम दोनों से रफी और आशा की आवाज में। इस गीत के बाद आप गोल्ड पर सुनेंगे समाचार और 1:10 से एक कदम बुजुर्गों की और पेरे यानी अर्पना के साथ रहिएगा। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। के दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह ने